सिंगाना पुलिस ने देर शाम को थाने के टॉप 10 बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने 2 माह पहले अपने ही गांव में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद वह फरार हो गया था। थाना अधिकारी कैलाश यादव ने बताया कि सूचना पर जब मुरादपुर गांव में पहुंची तो थाने का अपराधी मुरादपुर के शराब ठेके के पास बैठा हुआ था। इस दौरान पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर अपराधी खानपुर निवासी विकास उर्फ धोलिया को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी ने करीब 2 माह पहले अपने ही गांव में पेट्रोल छिड़क कर लकड़ियों में आग लगा दी थी, इसके बाद वह फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ गाँव के ही एक व्यक्ति ने आगजनी करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। थाना अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आदतन बदमाश प्रवृत्ति का है, जिसके खिलाफ क्षेत्र के कई थानों में विभिन्न धाराओं में करीब 1 दर्जन लूट मारपीट जानलेवा हमला करने के मामले दर्ज है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।